गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू उज्ज्वल मैथ्स। आज इलेक्ट्रिसिटी का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इससे पहले आपको जानना होगा कुछ कंपोनेंट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? आपके घर में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है ना, वही इलेक्ट्रिक सर्किट है। आपने बहुत जगह पर देखा होगा टीवी, रेडियो, मोबाइल, है ना, चार्जर, वो सब क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट है। जहां भी इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है तो वहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट होता ही है। लेकिन यहां पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ना है कि कंपोनेंट्स को हम कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, तो पहले कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, मैंने सबका नाम लिखा है, बनाया नहीं है, ताकि मैं इसको बनाऊंगा आपके सामने। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कनेक्टिंग वायर। ठीक है, ये कंपोनेंट्स हैं। कनेक्टिंग वायर मतलब जो वायर हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए वायर चाहिए। तो कनेक्टिंग वायर का कोई खास डायग्राम है नहीं, एक सीधा सा आप लाइन खींच दो, ये कनेक्टिंग वायर है। ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर है। वायर ज्वाइंट मतलब जहां पे तार ज्वाइंट होता है। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि ये एक तार पास कर रहे हैं, इस तार में यहां पे ज्वाइंट है, तो कैसे इसको शो करते हैं हम लोग डायग्राम में? इसको ऐसे शो करते हैं, ये एक वायर हो गया। ठीक है, और यहां पे कोई तार का ज्वाइंट है, तो ऐसे होगा। ठीक है, ये कनेक्टिंग, ये वायर का ज्वाइंट है, इसको ऐसे शो करते हैं। फिर आपका है वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट। वायर जो बिना कॉन्टेक्ट किए क्रॉस करता है, मतलब सपोज कर लो आप कि ये एक वायर है और ये दूसरा वायर है। ठीक है, इस दूसरे वायर को इससे यहीं से पास करना है, लेकिन दोनों में कॉन्टेक्ट नहीं होने, इसका करंट इसमें नहीं जाना चाहिए, इसका करंट इसमें नहीं जाना चाहिए, मतलब विदाउट कॉन्टेक्ट पास तो करेगा तार, लेकिन वायर का कोई कॉन्टेक्ट नहीं होगा, चार्ज का कोई फ्लो उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। देखो, एक वायर तो ये आप जा ही रहा है जो ले जा रहे हो, और दूसरा वायर ऐसे करके ऐसे गोल घुमा देना है, ऐसे ले आना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तार पास तो कर रहा है एक दूसरे के ऊपर से, लेकिन एक दूसरे को नहीं, करंट नहीं दे रहा है, ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है। तो ये हो गया वायर विदाउट कॉन्टेक्ट। उसके बाद होता है फिक्स्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को ही हम लोग रेसिस्टर कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ओम्स लॉ में डिटेल्स में। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। तो रेसिस्टेंस के लिए हम लोग ऐसे देखो, ऐसे रेसिस्टेंस का मतलब होता है अवरोध, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने से रोकता है। ठीक है, तो इसके लिए बस हम लोग ऐसे खींच देते हैं तो बन जाता है, ये फिक्स रेसिस्टेंस है। मतलब कि इसका रेसिस्टेंस ना बढ़ सकता है ना घट सकता है, हमने इसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, उसको वेरिएबल रेसिस्टेंस। ठीक है, वेरिएबल रेसिस्टेंस का मतलब इसको हम कम कर सकते हैं या फिर ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका मतलब समझो क्या होता है। रेडियो का वॉल्यूम देखा है, रेडियो का वॉल्यूम, वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो साउंड ज्यादा होता है, कम करते हैं तो साउंड कम हो जाता है, नहीं? लेकिन तो वही है वेरिएबल रेसिस्टेंस, मतलब ये बदलता रहता है, इसको चाहो तो आप बदल सकते हो। ठीक है, कम या ज्यादा कर सकते हो। गैस सिलेंडर का जो रेगुलेटर होता है, गैस ओवन का रेगुलेटर, ऐसे बहुत सारे, आपके आपका मोबाइल का जो वॉल्यूम की है, नहीं, आप साउंड को बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, तो वो वेरिएबल रेसिस्टेंस है, वो घट सकता है बढ़ सकता है। ये रेसिस्टर जो होता है रेसिस्टेंस, ये बढ़ घट सकता नहीं है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, अब यहां पे देखो अमीटर, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस का यूज क्यों करते हैं? करंट को ज्यादा करने के लिए और कम करने के लिए। आपने फैन का देखा होगा ना स्विच, फैन वाला जो स्विच होता है गोल, वो एक तरह का वेरिएबल रेसिस्टेंस है। अमीटर, अमीटर के बारे में मैंने बताया था आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि ये क्या करता है, करंट को मेजर करता है। तो कुछ खास नहीं करना, इसका डायग्राम ऐसा नहीं है, बस ऐसे गोल करके आप ए लिख देना है, यहां पे ऐसे कर दो, एक तरफ लिख दो प्लस, एक तरफ लिख दो माइनस, तो ये बन गया आपका अमीटर। ठीक है, अमीटर से हम लोग करंट को मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे गोल खींच के भी लिख दो, ऐसे कर दो। ठीक है, देखो ये आ गया, इसी को कहते हैं वोल्ट मीटर। ये देखने में ऐसा होता नहीं है, उसका सिंबल है ये। ठीक है, उसका सिंबल है, याद रखना, ये कंपोनेंट्स हैं, इसके सिंबल्स हैं ये। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने आपको बताया नहीं था वीडियो में, आज बताने का मौका मिला बता देता हूं। जब बहुत ही कम अमाउंट में करंट फ्लो होता है, बहुत कम अमाउंट में करंट, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, उस कंडीशन में करंट को मेजर करने के लिए अमीटर लगाएंगे। तो अमीटर बहुत ज्यादा करंट को मेजर करता है ना,
कम करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा होगा ज्वेलरी के दुकान पे, नहीं जो हमारा ज्वेलरी के दुकान पे जो भी हमारा आभूषण होता है, ठीक है, अंगूठी वगैरह, चैन वगैरह, जो भी एनीथिंग, उसको वजन करने के लिए बहुत छोटी सी तराजू होती है। आपने देखा होगा इतना छोटा सा तराजू होता है, लेकिन वही हम चावल गेहूं खरीदते हैं तो उसका उसके लिए बहुत बड़ा सा बैलेंस्ड होता है, तराजू होता है। तो यही बात है कि छोटा सा जब करंट पास करेगा, बहुत कम करंट, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। सिंबल में सिर्फ आप जी लिख देना चल जाएगा, ठीक है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ऐसे करना जरूरी है। ओपन स्विच, स्विच ओपन स्विच का मतलब क्या हुआ, घर में स्विच देखा होगा ना आपने, जिससे स्विच दबाते हो तो बल्ब जलने लगता है, फिर स्विच ऐसे करते हो तो फिर बल्ब बंद हो जाता है। तो ओपन स्विच का मतलब ये हुआ कि स्विच खुला हुआ है, मतलब अभी करंट पास नहीं कर रहा है उससे। तो ये देखो, ये होता है ओपन स्विच, ऐसे ऐसे खींच के आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ये ओपन स्विच है। इसका एक और सिंबल होता है, इसका एक और सिंबल होता है ऐसे, ये ऐसे करके ऐसे ऐसे, देखो ये ओपन स्विच है, ठीक है, मतलब करंट, देखो ये वायर और ये वायर दोनों अलग अलग है, तो ये ओपन स्विच हो गया। क्लोज्ड स्विच कैसा होता है, तो क्लोज्ड स्विच जब आप ऐसे बनाओगे, इसका दो तरह का सिंबल होता है, एक बार आप ऐसे बना लो, ठीक है, और बीच में डॉट डाल देना है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि स्विच हमारा अभी क्लोज है, मतलब करंट पास कर रहा है इससे, ठीक है। और यहां पे अगर कोई आपको बोले कि इसमें अगर ये नहीं करना, ये करना है, तो क्या करोगे, तो फिर यहां पे क्या करना है, ऐसे लिख के ऐसे करके यहां पे राउंड बना लो, ठीक है, और नीचे वाले को टच कर देना इसमें, ठीक है, जो नीचे लिखता है ना ये वाला वायर था, इस दोनों को टच कर देना है। तो ये क्या हो गया आपका, क्लोज्ड स्विच हो गया। फिर बात करते हैं बल्ब की, तो बल्ब ना नॉर्मली जो है हम लोग ऐसे बल्ब को डिनोट करते हैं, ऐसे देखो ये बल्ब हो गया, ठीक है, आपको ये फूल दिख रहा होगा बल्ब लगाने वाला, नहीं लेकिन ये फूल नहीं है, ठीक है, ये बल्ब है। कभी कभी बल्ब को ऐसे भी डिनोट करते हैं हम लोग, ऐसे करके इसके बीच में होता है, ऐसे भी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ जाओ। अगर बल्ब जलने की बात आती है, जैसे ये बल्ब में करंट नहीं जा रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है, अगर बल्ब जलने की बात आएगी तो आप सीधा ऐसे कर देना, ठीक है, ऐसे लगा देना, मतलब क्या कि बल्ब जल रहा है, ठीक है, बात समझ आ गई, सारे कंपोनेंट समझ गए आप। अब इन कंपोनेंट को, चलो यार दो चीज छूटा हुआ है अभी, देखो बैटरी, ठीक है, सेल और बैटरी, ये दो चीज छूटा हुआ है। देखो सेल क्या कैसे डिनोट करेंगे, इस सेल के लिए हम लोग सीई डबल एल लिखते हैं, ठीक है, एस एच ई डबल एल नहीं लिखना है, आपको लिखना है सीई डबल एल सेल। सेल में, सेल क्या होता है, सेल जो है सो इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। तो देखो सेल में ना ऐसे एक पोल को बड़ा करना है और एक पोल को छोटा करना है, देख लो, एक पोल को बड़ा करना है, एक पॉइंट को छोटा करना है, क्यों, बड़े वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्लस और छोटे वाले पॉइंट को कहते हैं माइनस। मैंने आपको बताया था ना कि दो तरह के वायर होते हैं, एक पॉजिटिव वायर होता है, एक नेगेटिव वायर होता है, तो वही बात है यहां पे कि जब बात करेंगे सेल की, तो जो बड़ा वाला होता है उसको पॉजिटिव और छोटे वाले को नेगेटिव कहते हैं। लेकिन जब आपको बात आ जाएगी बैटरी क्या, ठीक है, तो बैटरी बहुत सारे सेल से मिलके बनता है, ठीक है, बैटरी बहुत सारे सेल से मिल के बनता है, एक सेल तो सिंगल यूनिट हो गया, बैटरी में बहुत सारे सेल होते हैं, तो सेल को हम लोग कैसे ज्वाइंट करते हैं, आप पहले ये देख लो, देखो ये पॉजिटिव, ठीक है, और फिर ये छोटा सा निगेटिव। अब बैटरी में क्या करते हैं हम लोग, फिर निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, जैसे कि ये निगेटिव है तो यहां पर फिर पॉजिटिव, फिर यहां पर निगेटिव, फिर यहां पर पॉजिटिव, फिर यहां पर निगेटिव। बैटरी बनाते वक्त में एक बात का खास ध्यान रखना है कि अगर एक तरफ बड़ा वाला आपने लाइन खींचा है तो लास्ट में छोटा वाला लाइन होना चाहिए, मतलब एक तरफ प्लस, अगर आप यहां पे ज्वाइंट कर देते हो तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो दिक्कत हो जाएगी ना, बैटरी में दो इंच होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब यहां पे ऐसे नहीं करना है आपको, देखो इसको ज्वाइंट करना है ऐसे, ठीक है, ऐसे ज्वाइंट करना है छोटे वाले से बड़े वाले को, फिर यहां छोटा वाला है इसको बड़े वाले से ज्वाइंट कर देना है, देख पा रहे हो आप, ये बना बैटरी, ठीक है। बारीकी से छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखना है हम लोगों को, तभी हम लोग सही से डायग्राम बना पाएंगे, सही से सीख पाएंगे, ठीक है बहुत इजी टॉपिक, बहुत सिंपल सा है, लेकिन एग्जाम्स में अगर आप छोटा मोटा मिस्टेक कर देते हैं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। चलो तो बैटरी हम लोग बना लिए, अब ये बड़ा वाला पोल है यहां पर प्लस कर लेते हैं और ये छोटा वाला पोल है यहां पर माइनस कर लेते हैं, तो हम लोग का बैटरी भी तैयार हो गया है।
अब इन सारे कंपोनेंट्स को यहां पे शो करना है कि ये सारे कंपोनेंट्स मिलके सर्किट कैसे बनाते हैं। तो सर्किट में सबसे पहले आपने वायर तो ले लिया, ये मैंने बस ऐसे ही खींच के रखा है। अब मैं सारे कंपोनेंट को यहां पे सेट करने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या सेट करूंगा, ये देखो, सबसे पहले मैं यहां पे सेट करूंगा बैटरी को, ठीक है। मैं यहां पे बैटरी लगा देता हूं, बैटरी देखो ना, सेल नहीं ले, मैं बैटरी लगा रहा हूं, तो बैटरी ऐसे लगाना है आपको, ठीक है। मार्केट का ही खत्म होगा, ब्रेक करो, पॉज करना। तो यार मैं इसमें बैटरी, मैं इसमें इंक डाल चुका हूं, ठीक है, अब ये चार्ज हो गया है। देखो तो यहां पे सबसे पहले प्लस वाला, फिर छोटा सा बनाओ माइनस वाला, फिर प्लस वाला, फिर माइनस वाला, फिर प्लस एंड देन माइनस। अब इसको ज्वाइंट करना है, तो कैसे ज्वाइंट करेंगे, इसको इसको नहीं ज्वाइंट कर देना, बीच में ज्वाइंट करना है सिर्फ, ठीक है। आप इसको नहीं ज्वाइंट कर लेना, ये सिर्फ बीच वाले को ज्वाइंट करना है। अब देखो बड़ा कौन सा है, ये है बड़ा वाला पोल, तो बड़ा वाला पोल यहां पे पॉजिटिव और ये छोटा वाला पोल नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया था डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इससे पहले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लो। वैसे इलेक्ट्रिसिटी के सारे वीडियोस देखने हैं आपको, नहीं देखोगे ना तो गारंटी है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं सीख पाओगे, और देख लोगे तो गारंटी है कि सीखोगे। तो प्लस वाले से फ्लो होता है करंट हमारा, ठीक है, यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो अब आपको यह समझना है कि अब जो हम ये लगाएंगे, स्विच लगाएंगे, ये स्विच कहां लगाएंगे, इस तरफ लगाएंगे या इस तरफ लगाएंगे, कहां पे लगाएंगे। तो देखो स्विच हम लोग लगाएंगे जस्ट बैटरी के बाद, ठीक है, ताकि करंट को हम लोग यहीं पे रोक सकें, ठीक है। स्विच यहीं पे लगाना है, स्विच उल्टा मत लगाना, उल्टा लगाने का मतलब क्या होगा कि पूरा करंट घूम के चला गया तब जाके यहां पर करंट, बीच में कोई छुएगा उठा के पटक देगा उसको, ठीक है, तो तुम्ही को फिर बोलेगा भाई कैसा स्विच लगा दिया। तो स्विच हमको लगाना है स्टार्टिंग में ताकि करंट यहां से आगे फ्लो ही नहीं करे, कोई यहां पे टच करेगा तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद अब बात आती है एमीटर कहां लगाए करंट, क्योंकि करंट ये देखो ये बैटरी है, बैटरी में क्या होता है, वोल्ट होता है, VOLTAGE वोल्टेज, ठीक है, और ये आपका बैटरी है, बैटरी यहां से आपने करंट निकाल दिया, ये आपका आई है करंट, ठीक है, ये करंट जा रहा है इस तरफ। तो आप करंट को मीजर करने के लिए क्या लगाओगे, एमीटर लगाओगे। एमीटर कहां पे लगाओगे, देखो एक बात आपको हमेशा याद रखना है, दिमाग में बात को बैठा लो कि करंट हर जगह पे सेम रहने वाला है, फिर घटेगा बढ़ेगा क्या, वोल्ट बढ़ेगा वोल्ट घटेगा, जितना करंट यहां से निकलेगा ना उतना ही करंट अंदर घुसेगा बैटरी में। बात समझ में आ रही है, करंट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही बात है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होता है, आपके दिमाग में बात जो बैठा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन खत्म होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म होती है। जैसे हम सारे लोग नहीं स्कूल जाते हैं बैग वगैरह टांग के, पढ़ने के बाद बिल्कुल थक जाते हैं घर वापस आ जाते हैं, नहीं तो क्या हम लोग खत्म हो जाते हैं, नहीं हमारी एनर्जी खत्म होती है, वही बात है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही रहेगा, फिर वापस आके बैटरी में घुसेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उतने ही रहने वाले। तो आप इलेक्ट्रॉन को मेजर करने वाला एमीटर यहां पे लगाओ तो भी वही बात है, यहां लगाओ तो भी वही बात है, यहां लगाओ वही बात है, यहां लगाओ वही बात है। तो कहां पे लगाओगे, कहां पे लगा दे, यहां लगा दे, चलो यहीं लगा देते हैं, यहां पे लगा देते हैं, ठीक है। इसके लिए आप फ्री हो, कहीं भी लगा सकते हो। तो देखो ये हमारा हो गया एमीटर। अब जब भी आप कंपोनेंट लगाओगे तो कंपोनेंट में प्लस माइनस का ख्याल करना है। तो क्या करूं, देखो ये वाला प्लस है ना, तो यहां पे हम प्लस लिख देते हैं और ये वाला यहां पे माइनस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंड प्लस है तो यहां पे प्लस लगेगा। चलो इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर देखो, वोल्ट जो है ना, वोल्टेज बढ़ता रहता है घटता रहता है, स्टार्टिंग में वोल्टेज कुछ और होगा, इधर वोल्टेज कुछ और होगा। तो फिर यहां पे आपको वोल्ट मीटर जिसको मेजर करना है उसी का लगाना है, जहां पे मेजर करना है, ठीक है। इन सारे कंपोनेंट्स का यहां पे उतना ज्यादा यूज नहीं होने वाला है, तो मैं यहां पे देखो, मैं यहां पे एक वेरिएबल रेसिस्टेंस लगाता हूं, ठीक है, वेरिएबल रेसिस्टेंस मैं यहां पे लगाता हूं, देखो कैसे लगता है वेरिएबल रेसिस्टेंस, ठीक है, देखना गौर से, ये ऐसे पहले तो आप कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो, और अब इसको ज्वाइंट नहीं करना है, वापस इसको अंदर से ले जाओ, ऐसे एरो बना के ऐसे ज्वाइंट करो, ठीक है, ये आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस है, ये इंड को कनेक्ट नहीं करना है, कनेक्ट करना है आपको इस इंड को, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पे आपने लगा दिया वेरिएबल रेसिस्टेंस, ठीक है। अब वेरिएबल रेसिस्टेंस के बाद हम क्या करते हैं, आगे एक रेसिस्टेंस लगाते हैं।
रेसिस्टेंस मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस, ठीक है ठीक है, डिवाइस में तो रेसिस्टेंस होता है, तो चलो हम लोग यहां पर रेसिस्टेंस लगा देते हैं। रेसिस्टेंस या रेसिस्टर एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। यहां पे हमने रेसिस्टेंस लगा दिया, रेसिस्टेंस का ये वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, ये पार्ट नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, एक यहां पे लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर का आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि आप बैटरी से कनेक्ट किए हो तो बैटरी में बहुत ज्यादा वोल्ट होता है, तो गैल्वेनोमीटर का आपका यूज नहीं करना है। अभी हम लोग यहां पे लगा देते हैं एक बल्ब, ठीक है। चलो एक बल्ब लगा दें ऐसे, यहां पे बल्ब लगा दिए, ठीक है। बल्ब का ये वाला एंड पॉजिटिव होगा, ये वाला एंड नेगेटिव होगा। बल्ब लगाने के बाद हम लोग क्या लगाएंगे यहां पे अब, देखो इसको ना कभी कभी हम लोग प्लग की भी कहते हैं। प्लग की का मतलब क्या होता है, जहां पे हम लोग प्लग लगाते हैं, लेकिन इस सर्किट में इसका यूज नहीं करना है, सर्किट में बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है आपको, बहुत कम यूज करना है। अभी आप यहां पे क्या करो, ये सारे कंपोनेंट का भी यूज नहीं करना है, बस इतने कंपोनेंट का यूज करना है। अब यहां पे एक बात आती है कि यार वोल्ट मीटर कहां पे लगाए, नहीं वोल्ट मीटर का यूज करना है ना, वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो देखो जैसे आपको इसका वोल्टेज मेजर करना है इस कंपोनेंट का, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे करके ऊपर ले जाओ, वोल्ट मीटर लगता है ऐसे, मतलब जिसका मीजर करना है उसी का लगाना है। सबका वोल्ट मीजर करने के लिए नहीं, यहां पे एक बार डिवाइस नहीं लगा सकते हो, ठीक है, ये तो पूरा सर्किट का मीजर कर लेगा। फिर आपको सिर्फ अभी बल्ब का वोल्टेज मीजर करना है, तो बल्ब के पैरेलल में, पैरेलल का मतलब बिल्कुल सीधा सीधा लगाना है, ठीक है। तो यहां पे अमीटर हमेशा लगता है सीरीज में, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे इस पे पढ़ना है डिटेल्स में, लेकिन फिलहाल इतना समझना है आप लोगों को। तो ये आपका हो गया वोल्ट मीटर, ऐसे लगाना है, बात समझ में आ गई। तो वोल्ट मीटर इसका वोल्टेज मेजर कर लेगा, देन करंट का आप यहां पे साइन बनाते रहो एरो डाल के, ठीक है, एरो डाल के साइन लगा दो, बस दैट्स इट। ज्यादा कचरा नहीं करना है, बस इतना हमने कर दिया, दैट इज इनफ, ठीक है। तो आपका सर्किट बनके तैयार है, ठीक है। तो सर्किट में किन बातों का ख्याल रखना है, बैटरी आप कैसे बना रहे हैं, बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिख रहे हो, पॉजिटिव को फॉलो करते हुए एरो का साइन देना है, ठीक है, करंट का साइन देना है। अमीटर कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो अमीटर यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, ठीक है। वोल्ट मीटर लगाना है सिर्फ उस कंपोनेंट के पास जिसका वोल्टेज मेजर करना है। तो हमारे आज के टॉपिक में बस इतना ही था, ठीक है। तो हम लोग आज इलेक्ट्रिक सर्किट खत्म कर चुके हैं, अब आने वाले टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ओम्स लॉ, ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं एक बार में समझ में आएगा और जिंदगी भर याद भी रहेगा। तो अगले वीडियो का थोड़ा सा इंतजार करना है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक बाय एंड टेक केयर।